हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने थंबनेल से पूछा था, किसी ने पूछा कि सिंगापुर का इमिग्रेशन पर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या होती है प्रोसेस, उसके बारे में बताओ। तो आज मैं आपको बताना, अगर आप सिंगापुर किस पर्पज़ से आ रहे हो ये भी आपको बहुत डिसाइड करना है कि टूरिस्ट है, वर्क परमिट है, एस पास है, एम्प्लॉयमेंट पास है, स्टूडेंट पास है, लॉन्ग टर्म पास है। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो सिंगापुर में इमिग्रेंट्स को बुलाती है। अब आज मैं आपको एक जनरल आइडिया दूँ कि सिंगापुर में अगर आप आ रहे हो तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं न्यू कमर्स हो, रेगुलर ट्रैवलर्स हो, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रैवलर्स रेगुलर होते हैं, कुछ फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं और कुछ फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन फेस करते हैं। तो आज मैं पूरा आपको डिस्कस करने वाला हूँ किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि पोलैंड, माल्टा, क्रोशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यहाँ पर आपको 50,000 से 1,00,000 रुपये तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। वो जो जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, तो जॉब्स का जो अवेलेबल जो उनका खर्चा होता है उनका एजेंसीज़ का, वो आपको पे करना पड़ता है। और कुछ फ्री वैकेंसीज़ भी मेरे चैनल पर आती रहती हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। मोस्टली जो फ्री वैकेंसीज़ होती हैं वो मिडिल ईस्ट की होती है, ओमान, कतार, दुबई, इन गल्फ़ कंट्रीज़ की। तो आपको जो सैलरी थोड़ी कम मिलेगी लेकिन जॉब आपकी हो जाएगी। तो कैसे करियर बनाना है इसके ऊपर भी, और आपका सवाल क्या है आपका कमेंट्स ज़रूर बताना, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर आएगी। और सबसे पहला सवाल है कि सिंगापुर में इमिग्रेशन कैसे, टर्मिनल चार हैं टोटल, चांगी एयरपोर्ट उसका नाम है। सिंगापुर का जो इमिग्रेशन है बहुत ही फास्टेस्ट और बहुत ही ईजीएस्ट माना है बिल्कुल वर्ल्ड में, क्योंकि जैसे भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है सिंगापुर का जो इमिग्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो रेगुलर ट्रैवलर्स हैं चॉप होता ही नहीं है, स्टैम्प ही नहीं लगता है, आप अपने आप से इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। अब ये भी बात अलग है, लेकिन अगर आप बात करते हैं, एक एक जनरल आइडिया बताते हो, अगर आप स्टूडेंट पर हो, पहली बार आ रहे हो सिंगापुर, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको हाथ में रखने हैं। तो जब आप सिंगापुर में आ रहे हो पहली बार, तो पहला आपको SG अराइवल कार्ड भर के रखना है, आपका ICA से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वीज़ा आपका ICA से अप्रूव्ड होगा, पासपोर्ट और ऑफर लेटर कॉलेज का, और आपको इमिग्रेशन पर ये प्रेजेंट करना है। और वो कुछ आपसे पूछ सकते हैं कि आपका कॉलेज कौन सा है, क्या कौन सी स्टडी है, थोड़ा अगर आपके पास बैंक बैलेंस की स्टेटमेंट भी रखना, कि अगर आपके पास कॉलेज की फ़ीस आपने पे कर दी उसकी स्लिप रखना, कुछ इस तरह से नॉर्मल सवाल। तो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता कि अब कुछ लोग होते हैं जो सिंगापुर में पढ़ाई के पर्पज़ से आते हैं, तो उनको अपने कोर्स के बारे में ही पता नहीं रहता है। तो अपना कोर्स को पता कि कौन सा मॉड्यूल है, 1 साल का कोर्स है, 6 महीने का स्टडी, 6 महीने का कौन सा कॉलेज है, क्या नाम है, कोर्स का नाम क्या है, टोटल फीस कितनी, इस तरह की नॉलेज आपको आनी चाहिए। किधर आप रुकोगे, जहाँ पर आपने एकोमोडेशन चूज़ करी है उसका आपका पता होना चाहिए। इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन आपको रखने और इसको थोड़ा सा समझ रहा है, ठीक है। ऐसे ही वर्क परमिट पर हैं, एस पास पर हैं, एम्प्लॉयमेंट पास पर आ रहे हैं, तो उनसे जस्ट नॉर्मल वीज़ा चेक होता है, IP एक लेटर होता है, वो पासपोर्ट और SG अराइवल, ये 3 डॉक्यूमेंटेशन आपका मोस्टली पहली बार जो आते हैं। स्टैम्प होता है कि मैं आपको पहली बार पर, तो उसके बाद बहुत सवाल की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछे जाते। एम्प्लॉयर का नाम पूछेगा कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, क्या डेजिग्नेशन है, कभी कभी पूछते हैं, हमेशा नहीं पूछते। मेरे से पहली बार जब मैं पहले 13 साल पहले आया था, तो उन्होंने पूछा था कि कौन सी कंपनी है, क्या आप, कौन सी डेजिग्नेशन है आपकी इस, और क्या आपका परमिट है। तो आपको परमिट दिखाना है कि मैं आस पास पर हूँ ऐसा, और जो उसमें आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन में जो आपका IP आएगा उसमें लिखा होता है कि आपकी सैलरी वगैरह, तो ये चीज़ें थोड़ा सा रखना है आपको याद में, ठीक है। अब बात करते हैं जो रेगुलर ट्रैवल्स हैं। अब जैसे एक बार आप आ जाते हो, फिर आपका आना जाना इंडिया में रहेगा, तो भाई आपको वहाँ पर इमिग्रेशन खुद ही आपके पास पासपोर्ट होगा, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा का कार्ड है तो स्टूडेंट, अगर वर्क परमिट एस पास है जो भी, तो आपको पासपोर्ट स्कैन करना है, वर्क परमिट जाना है, थंबप्रिंट लगाने, और फिर आपका फेस आपके पासपोर्ट पर चॉप भी नहीं लगेगा। आप इंडिया में जाओगे, इंडिया में, तो फिर इंडिया से वापस आओगे, इंडिया में ज़रूर इमिग्रेशन की चॉप लिए। सिंगापुर में जैसे ऑन सेल्फ इमिग्रेशन है, तो पहली बार जो भी विदेश से आ रहा है सिंगापुर में, पहली बार इमिग्रेशन से सामना करना पड़ता है। फिर वो अगर रेगुलर
रेगुलर है, मीन्स आपका 2 साल का वीज़ा है, आप 2-6 महीने बाद इंडिया जा रहे हो, तो भाई दूसरी बार आप जा रहे हो तो आपका कोई चेक करेगा नहीं, आप ऑन सेल्फ कर सकते हैं, मीन्स जिसे बोलते हैं सेल्फ चेक इन सेल्फ चेकआउट, बहुत ईजी प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका पासपोर्ट और आपका परमिट कार्ड, जैसे ही एंट्री करोगे स्कैन योर पासपोर्ट पूछेगा, तो आप स्कैन योर पासपोर्ट, फिर आपके दूसरा गेट आएगा, जो छोटे छोटे MRT में गेट नहीं होते उसे, तो पहला गेट खुल जाएगा, फिर दूसरा गेट पे वो थंबप्रिंट लेगा और थोड़ा जो आँखों के सामने कैमरा लगा होता है उसको देखना है फोटो, फिर तीसरे में आप क्लियर हो जाते हैं, तो स्टैंप नहीं लगता। तो सिंगापुर में जो पहली बार आ रहे हैं उसमें स्टैंप होता है, लेकिन उसके बाद स्टैंप की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है, तो जो भी चीज़ें जिस पर्पज़ के लिए आप आ रहे हो उसका थोड़ा बहुत नॉलेज आप रखना है। अगर टूरिस्ट पर्पज़ पर आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा, अगर वो पूछ दे कि भाई कितने दिन रुकोगे, क्या है आपको रिटर्न टिकट्स वगैरह, ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, बहुत ईजी है सिंगापुर का। कोई ऐसा लोग बोलते हैं कि क्यों इमिग्रेशन पे स्टॉप करा जाता है, इमिग्रेशन पे स्टॉप इसलिए करा जाता है जिस पर्पज़ के लिए आप आ रहे हो आपको उस पर्पज़ का पता ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं उनको यही नहीं पता कि कोर्स कौन सा है, कितने साल का है, क्या फ़ीस है, कहाँ पर कॉलेज है, फ्यूचर ड्रीम, कभी कभी ऐसा उनको शक होता है तो पूछते हैं भाई व्हाट इज़ योर कॉलेज नेम, व्हाट इज़ योर एजुकेशन बैकग्राउंड बिहाइंड, व्हाई यू वांट टू डिप्लोमा, हाउ व्हाट मॉड्यूल्स, इस तरह के थोड़े बहुत सवाल होते हैं वो आपको क्लियर करना है। बट आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।